हम भाप में भी मूंग की दाल की मंगोड़ी की सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। किस तरह, चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने 1 कप मूंग की धुली दाल ली है। इसकी जगह हम छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं, जिसे साफ पानी से 3-4 बार धुलकर और 4 घंटे पहले भिगो दिया और फिर ग्राइंडर में डालकर इसका इस तरह का मैंने एक पेस्ट बना लिया है। इसमें 1 बड़ी इलायची डालकर पीसी है और इसमें मैंने कुछ भी अभी नहीं डाला है। इसमें अब हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर हम कुछ भी नहीं डालेंगे। नमक और लाल मिर्च पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे एक साइड रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। गैस ऑन कर गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। आप देख सकते हैं पानी हमारा अच्छे से उबल रहा है और इसमें से अच्छी सी स्टीम भी निकलने लगी है। अब इसके ऊपर इस तरह की एक जाली रख लेंगे या एक मलबल का कपड़ा भी बांध सकते हैं हम इसके चारों तरफ, और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। और यही हमने मूंग की दाल पीस के रखी है, इसकी छोटी छोटी बड़ियां बनाएंगे जाली के ऊपर ही इस तरह। चम्मच से आप बनाना चाहें चम्मच से बना लें, और हाथ से बनाना चाहें तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। इसी तरह हम अपनी सारी बड़ियां बना लेंगे। अब मैं आपको हाथ से भी बना के दिखाती हूँ। सारी बड़ियां हमने जाली पर जितनी आई हैं उतनी बना दी हैं। अब एक प्लेट से कवर करकर इससे 10 से 12 मिनट के लिए हम स्टीम होने देंगे और बीच में एक बार चेक कर लेंगे। 12 मिनट हो चुकी हैं। अब हम अपनी प्लेट हटाकर देख लेते हैं हमारी बड़ियां बनी हैं कि नहीं। ये अच्छी तरह से भाप में बन चुकी हैं। 8 मिनट बाद मैंने इन्हें एक बार टर्न कर दिया था। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। गैस ऑन कर गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब जो हमने अपनी स्टीम में बढ़िया बनाकर रखी थी उन्हें सेलो फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे सेलो फ्राई करके ही बनाना अच्छा लगता है। हाई टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें सेलो फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुकी हैं। अब इन पर अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब इन्हें हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। किनारे पर लाकर एक्स्ट्रा ऑयल नीचे चला जाएगा और एक प्लेट में रखेंगे। इस तरह लाएंगे किनारे पर और प्लेट में निकाल लेंगे। फिर से उसी कढ़ाई में हम अपनी सब्जी बना लेते हैं। इसमें 2 चम्मच तेल डाल लेंगे। यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल में सब्जी बना रही हूँ, आप किसी भी ऑयल में सब्जी बना सकते हैं। गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम 1/2 चम्मच साबुत जीरा है इसे डालेंगे। भुनने देंगे। 1 तेज पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े इन्हें भी डालेंगे और भुनेंगे। अब इसमें ये 2 मीडियम साइज की प्याज लिए हैं बारीक कटी, इन्हें डाल देंगे। और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। प्याज हमारी भून चुकी है। अब इसमें हम
दो हरी मिर्च हैं जिन्हें मैंने लंबाई में काटा है, ये डाल देंगे। और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे डाल लेंगे। और भूनेंगे। प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, इसे डालेंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर, इसे भी डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसे भी डालेंगे। और एक चम्मच धनिया पाउडर, इसे भी डालेंगे। और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाला हमने बिना पानी डाले भुना है, तो देखिए हमारा मसाला जल्दी से भुन चुका है एक मिनट में ही। अब इसमें हम ये बारीक कटे दो बड़े टमाटर हैं, इन्हें डाल देंगे। और मिक्स करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और अब जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ने लगे और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक मसाले को भूनते रहेंगे। हमारे मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। पानी आप जैसी गाढ़ी या पतली ग्रेवी खाना पसंद करें उस हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हमारी ये मूंग की दाल की मंगोड़ी भी पानी सोखती है ग्रेवी में डालने के बाद। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया हमारी सब्जी बनकर तैयार होती है। जब भी आपका कोई सब्जी या दाल खाने का मन ना हो, तब आप मूंग की दाल की मंगोड़ी की सब्जी बनाकर खाएं। बहुत टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। और आपके घर में मेहमान आए तब आप ट्राई करके देखें मूंग की दाल की मंगोड़ी की सब्जी बनाकर उन्हें खिलाकर, वो भी आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। अब इसे हम ढककर 2 मिनट ग्रेवी को पकने देंगे। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम जो हमने ये भाप में बड़ी बनाकर रखी है, ये डाल लेंगे। इन्हें हम ऐसे भी बिना सब्जी बनाए भी हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ ये वाली बड़ी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। अब इन्हें 2 मिनट और पकने देंगे ढककर, जिससे बड़ी में अच्छे से मसाला पहुंच जाए अंदर तक। 2 मिनट अच्छे से मूंग की दाल की मंगोड़ी डालकर हमने सब्जी को पका लिया है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच गरम मसाला है, ये डाल देंगे। और थोड़ी सी ऊपर से हरा धनिया पत्ती डालकर मिक्स करेंगे। हमारी मूंग की दाल की मंगोड़ी की सब्जी बन चुकी है। अब गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और अपनी मूंग की दाल की मंगोड़ी की सब्जी को सर्व करेंगे। हमारी भाप में बनी मूंग की दाल की मंगोड़ी की सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप चपाती, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर ये मूंग की दाल की मंगोड़ी की रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।